इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन से भी ये गलत फहमी हट जाएगा कि पवन सिंह एक्टर हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, पवन सिंह सिंगर हो सकते हैं, पवन सिंह बहुत ही अच्छा गा सकते हैं, लेकिन पवन सिंह कभी एक्टर नहीं हो सकते हैं। इसका पूरा प्रूफ है मेरे साथ और वही प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा सबर करके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपना राय प्रतिक्रिया कॉमेंट में दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस विषय का नाम है कि क्या पवन सिंह एक्टर हैं या सिंगर हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में एक दूसरे का तुलना करते नजर आते हैं और बोलते हैं यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव कभी पवन सिंह नहीं बन सकते हैं। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ा सा तहकीकात किया जाए कि क्या बात है ऐसी पवन सिंह में कि खेसारी लाल यादव नहीं बन सकते हैं। खैर आप लोगों को बताऊंगा और एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है पूरा चीज डिस्कस करना, लेकिन अब पूरा सीरीज आएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 लगातार सीरीज आएगा जिसमें मैं आप लोगों को तुलना कर करके दिखाऊंगा कि पवन सिंह खेसारी के बराबरी कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। ऐसा कारनामा कर चुके हैं खेसारी लाल यादव, आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को एक्टर सिंगर वाला लड़ाई में दिखा देता हूं सबूत कि कैसे पवन सिंह एक्टिंग के मामले में खेसारी लाल यादव से कोसों दूर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1 महीना के अंदर वाले चीज को आप लोगों को दिखाता हूं। खैर आप लोगों को बता दें कि आज से 1 मंथ पहले पवन सिंह का एक फिल्म रिलीज हुआ था जिस फिल्म का नाम था कैसे हो जाला प्यार। YouTube पर सबसे लेटेस्ट फिल्म अगर पवन सिंह का कोई रिलीज हुआ है तो यही फिल्म है कैसे हो जाला प्यार, आज से 1 महीना पहले रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का व्यूज आप लोग देख सकते हैं कि कितना है, 9.6 मिलियन इस फिल्म को व्यूज मिले हैं। और लाइक्स का बात किया जाए कि लोग इसको कितना पसंद किए, कितना लाइक्स किए, तो मात्र 97,000 लोग इस फिल्म को लाइक किए हैं, जो कि बहुत ही कम है मेरे भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर ये फिल्म अवेलेबल है और हाथों आते सभी लोगों के मोबाइल है, फिर भी लोग पवन सिंह के फिल्म को देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 97,000 लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है। और कहीं अगर खेसारी लाल यादव से तुलना कर दिया जाए तो क्या होगा, आप लोगों के तो दिमाग में पहले ही रिजल्ट आ गया होगा कि खेसारी से तुलना करने के बाद क्या होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आया नहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ कि खेसारी लाल यादव से अगर तुलना करते हैं तो क्या होगा। मात्र 6 दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक फिल्म रिलीज होता है जिस फिल्म का नाम था सन ऑफ बिहार। जी हां मेरे दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आज से 6 दिन पहले यह फिल्म रिलीज होता है और इस फिल्म का लाइक्स आप लोग देख सकते हैं, व्यूज अगर बात किया जाए तो पवन सिंह से मात्र 1.5 मिलियन पीछे है 6 दिन में। मतलब कहां वहां 1 महीना और यहां कहां 6 दिन, 1.5 मिलियन पीछे है। और वो भी 1.5 मिलियन जाने में कोई ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 या 2 दिन में चल जाएगा। लेकिन लाइक्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पवन सिंह का इतना लाइक्स अभी 1 महीना में भी नहीं मिला है जितना कि खेसारी लाल यादव को 6 दिन में ही मिल गया है। तो इसको कहते हैं एक्टर जो कि जिसका फिल्म आए YouTube पर आते ही बवाल मचा दे, पूरे लोगों के दिलों में राज करने लगे, उसको एक्टर कहते हैं। पवन सिंह सिंगर हो सकते हैं लेकिन पवन सिंह अभी भी खेसारी लाल यादव से एक्टिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। और पवन सिंह को जो एक्टर कहते हैं वो दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। पहले भोजपुरी के नंबर 1 एक्टर थे दिनेश लाल यादव, अभी भोजपुरी के नंबर 1 एक्टर हैं खेसारी लाल यादव, क्योंकि दिनेश लाल यादव चुनाव में बिजी हैं तो अभी खेसारी लाल यादव को दर्जा वो चीज मिल गया है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और 30 साल से भोजपुरी में है फिर भी कितना 100 मिलियन वाला फिल्म है पवन सिंह का वो भी आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता तो कमेंट में कमेंट कीजिए ना महाराज, हम है ना, हम बताएंगे कि कितना पवन सिंह के 100 मिलियन वाला फिल्म है और कितना खेसारी लाल यादव का 100 मिलियन वाला फिल्म है। क्योंकि अब लगातार सीरीज जारी रहेगा और मैं भी ये प्रूफ करके मानूंगा कि पवन सिंह जिंदगी में खेसारी लाल यादव नहीं बन सकते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों के दिल से धन्यवाद।